अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल घाटा। रानिया जो कि चीख चीख कर सबको बताना चाहती है कि दानिश उसके साथ क्या करता है, लेकिन रानिया इस वक्त मजबूर है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए चुप है, क्योंकि दानिश ने उसकी माँ को मारने की भी तो धमकी दे रखी है। रानिया अब इस बात को अच्छी तरीके से जान चुकी है कि दानिश जो कहता है वो करता भी है। अपने बाप को खोकर अब उसमें हिम्मत नहीं कि अपनी माँ को भी खो दे, क्योंकि उसकी माँ उसका वाहिद सहारा है। और इनकी मदद के लिए भी अल्लाह किसी ना किसी का जरूर भेजेगा। फरिश्ते भी तो आते हैं ना इंसान की मदद करने के लिए ऊपर से, तो बस अल्लाह ने यही फरिश्ता भेज दिया इनके लिए। दानिश के अपने बाप ने ही कॉल कर दी हमजा की माँ को कि मेरी बेटी बीमार है, उसको दौरे पड़ते हैं। और उसके अलावा एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, रानिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, ये सब आपके साथ झूठ बोला गया। और उसकी माँ ने इसी बात को सुनकर उनसे मंगनी भी तोड़ दी। हमजा को कहा कि मैं उन लोगों को बहुत मासूम समझती थी, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके बाप ने कॉल करके सब कुछ बता दिया और इसीलिए मैंने तुम्हारी मंगनी सना के साथ तोड़ दी। और यहाँ पर नवाब वजह पूछती रही कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप मंगनी तोड़ रही हैं। लेकिन हमजा की माँ ने कोई खास वजह नहीं बताई और कहा कि बस वक्त आने पर बता दूंगी। तो क्या वक्त तब आएगा जब रानिया के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो चुका होगा? नवाब जिसने दूसरों की बेटी को इतना ज्यादा दुख दिया, तो वो ये कैसे भूल गई कि क्या उसकी अपनी बेटी खुश रह सकेगी? और अब अपनी बेटी को कैसे समझाएगी, कैसे रखेगी उसका ख्याल, कैसे दे पाएगी उसके दिल को सुकून? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।